हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए एक ही क्रोशिये का छोटा सा बेबी ड्रेस गर्ल्स के लिए लेके आई हूँ। बेबी फ्रॉक बोलिए, बेबी ड्रेस बोलिए, और ये बहुत ही इजी है बनाने में। बेबी उल से मैंने इसको बनाया है। आप इसको धागे से भी बना सकती हैं, या आपके पास जो भी ऊन मिले उस हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। मैंने ये 2 से 2.5 साल तक के बच्ची के हिसाब से बनाया है, और ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आप बस ये जो मैंने बनाया है, आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन और इसके बाद जो ये सेकंड लाइन है, ऐसे आप मानिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन। इस फोर्थ लाइन को यहाँ पे आप एक बार और रिपीट कर देंगी तो यही नाप आपके 5 साल तक की लड़की के लिए आराम से आ जाएगा। और इसमें ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, बस इस लाइन, ये वाली लाइन यहाँ हम रिपीट करके फिर ये 2 लाइन और नीचे बना देंगे, जैसा मैंने आगे बताया है वीडियो में। इसी चीज को फॉलो करते हुए आप बनाएंगी तो ये 5 साल तक की गर्ल्स को आराम से आ जाएगी ये वाली फ्रॉक। और लेंथ आप अपने बच्चे के हिसाब से सेम इस टाइप से बढ़ा सकती हैं। इसमें कहीं कोई चेन घटाना बढ़ाना नहीं है, बहुत ही इजी है। और ये मैंने बनाया है बेबी वूल से, वर्धमान का जो ब्रायलॉन ऊन आता है। आप इसको अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है लच्छी वाला ऊन, 4-ply ऊन जिसको हम बोलते हैं, या बेबी उला बोलिए। ये वर्धमान का ऊन है, देखिए इसमें इस तरह से टैग लगा होता है। ये देखिए ब्रायलॉन, वर्धमान का ब्रायलॉन है, और इसमें कोई भी शेड नंबर नहीं होता। ये देखिए बस ऐसे लगा हुआ है, इसमें कोई भी शेड नंबर नहीं है। तो ये है ब्रायलॉन वर्धमान का, और ये बेबी ऊल है, 4-ply ऊन में आता है ये। तो इससे मैं ये बना रही हूँ। ये लच्छी लगभग 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में होता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी ऊन लेना चाहें ले सकती हैं। तो ये देखिए, इसको मेरा लाइट शेड है, मैंने ये गोला बना लिया है और मैं इसको बनाऊंगी। ये देखिए, ये है पोनी की 10 सी करके है, देखिए सॉरी 10G है, पोनी की 3.25 mm का ये क्रोशिया हुक है जिससे कि मैं ये बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगी चेन। तो चेन हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो देखिए इस तरह से स्टार्ट कर लीजिए आप। ये मैंने 10 नंबर का लिया है। अगर आपका हाथ लूज है तो आप ये नंबर यूज करिए, अगर टाइट है तो आप इससे 1 नंबर ज्यादा यानी कि 9 नंबर का क्रोशिया हुक भी ले सकती हैं, या जो भी आपके पास हो आप उसमें अपने हिसाब से हाथ टाइट या लूज कर सकती हैं। तो ये मैं 10 नंबर की क्रोशिया हुक से बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से, सबसे पहले ये एक हम लूप बना लेंगे, और इस तरह से करते हुए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 100 चेन यानी कि 100 चेन हम बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजी है चेन बनाना, और मैं ये दोनों में ही आपको बता रही हूँ। कई बार इन लोगों का ये कमेंट्स होता है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बताती हैं, हिंदी में नहीं। तो मेरी ये कोशिश रहती है, मैं जो काउंटिंग होती है, जो मैं इसका नंबर है फंदों का, वो मैं दोनों में ही बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कोई भी इसमें समझने में कन्फ्यूजन होता है या दिक्कत आती है तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले इसका 100 चेन यानी कि 100 चेन बना लेते हैं, फिर इसके आगे का हम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 100 चेन बना लिए हैं। अब आप इसको बिल्कुल इस तरह से ऐसे सीधा लीजिए, ये मुड़ना नहीं चाहिए, और ये जो है यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये बिल्कुल सीधा आए, जो हमारा ये सीधा साइड चेन जो चोटी दिख रही है इसको बिल्कुल आप इस तरह से ले लीजिए, ऐसे ऐसे, ये देखिए। और यहां से ये हमारा जो पहला चेन है, ये यहाँ पे हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ये देखिए। तो ये हमारा नेक का पार्ट इतना बन गया। अब 1
दो तीन चार चेन लेंगे और ये देखिए इस तरीके से जहां हमने इसको जोड़ा है ये इसके बाद वाला चेन छोड़ के उसके अगले चेन में हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, फिर एक चेन लेंगे इसके बाद वाला चेन छोड़ के इसके अगले चेन में एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये देखिए फिर एक चेन लीजिए, एक चेन यहां पे छोड़ के अगले चेन में ये इस तरीके से हम ये देखिए एक छोड़ के उसके अगले में इस तरह से। तो इस तरह से हम ये पूरा सर्कल बनाएंगे, एक चेन छोड़ के अगले चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए एक एक की गैपिंग आएगी, एक चेन लेना है बीच बीच में और यहाँ नीचे एक एक चेन छोड़ते जाना है। तो एक चेन लेंगे नीचे का एक चेन छोड़ के अगले चेन में फिर से इस तरह से हम ये, तो ये हम पूरा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आके कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ एक चेन लेंगे और ये जो हमने चार चेन लिया था, देखिए एक दो तीन, ये तीसरे चेन में इसको हम ऐसे स्लिप स्टिच से ये देखिए इधर से ये ऐसे और ऐसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये आ गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा लूज है लेकिन आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा पहला सर्कल कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब यहाँ फिर से हम एक दो तीन और चार, चार चेन लेंगे। फिर अब देखिए यहाँ इसके जस्ट ऊपर हमने बना लिया, अब ये जो गैपिंग है ये इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक दो, अब ये जो आया है जस्ट इसके ऊपर एक बना लेंगे। ये देखिए इस गैपिंग में दो बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो, और ये जो आया है इसके जस्ट ऊपर एक बनाएंगे। इसी तरह से ये भी पूरा राउंड जो है हम पूरा करेंगे, ये जो गैप है इसमें हम दो बनाएंगे, एक दो, और ये जो आया है इसके जस्ट ऊपर देखिए ये जो है इसके इसमें से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा पूरा लाइन कंप्लीट होगा, गैप में दो और इसके ऊपर एक। ये देखिए तो ये हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं फिर से। ये देखिए ये लास्ट वाला गैप जो है इसमें ये दो और ये एक ऑलरेडी जो चेन वाला है, तो इसमें ये जो तीसरा चेन है इसमें हम एक बार फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे ऐसे। तो ये हमारा टोटल ये जो राउंड है देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये जो डबल क्रोशिया टोटल बना है ये है 150, यानी कि 150 पूरे ये डबल क्रोशिया हमारे राउंड में बने हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ये सेकेंड राउंड दूसरा लाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड हम फिर फर्स्ट राउंड की ही तरह करेंगे। देखिए एक दो तीन और ये चार, चार चेन लिया हमने। फिर से देखिए यहाँ पे ये हमारा है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक एक चेन लेंगे, एक ये वाला छोड़ देंगे, इसके बाद वाले में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था, एक चेन लेंगे, एक ये गैप करके अगले वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक गैप करके इसके अगले में एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये वाली भी पूरी लाइन हम कंप्लीट करके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिर इसमें भी गैपिंग आती जाएगी। तो ये वाला भी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हमारा ये एक चेन यहाँ बचा है, यहाँ हमने इसको बनाया ही है। तो अब ये जो है यहाँ पे ऐसे हम इसको फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। फोर्थ राउंड फिर से करेंगे। तो ये देखिए एक दो तीन चार, चार चेन लिया हमने। अब
ये वाली जो हमारी जस्ट बाद वाली गैपिंग है इसमें देखिए हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक दो, इसके जस्ट ऊपर हम एक बनाएंगे। अब इस गैपिंग में हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिछले राउंड में ये जो सेकंड राउंड हमारा था सब में हमने देखिए दो 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 बनाया है डबल क्रोशिया, लेकिन इस बार हम एक बार दो बनाएंगे एक बार एक बनाएंगे। फिर से चेन लेंगे, इसमें बनाएंगे जस्ट इसके ऊपर, सॉरी चेन नहीं लेना है, बिना किसी चेन के हमको ये सर्कल कंप्लीट करना है। तो अब देखिए इसके जस्ट ऊपर एक बनाएंगे, अब इस गैप में हम दो बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो, फिर इसके जस्ट ऊपर एक, अगले गैप में एक, इसके जस्ट ऊपर एक, और अगले गैप में दो, एक और ये दो डबल क्रोशिया, फिर ये, इसके बाद सिंगल, ये भी सिंगल, और यहां पे दो डबल क्रोशिया, एक दो, यहां पे सिंगल डबल क्रोशिया, इस गैप में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर यहां पे सिंगल, और इसमें डबल डबल क्रोशिया, एक दो। तो इस तरह से ये फोर्थ राउंड हमारा पूरा होगा। एक बार एक बनाएंगे, एक बार दो बनाएंगे, और इसके जस्ट ऊपर ऊपर हम एक एक बनाते जाएंगे। तो ये चौथा राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल लास्ट है, अब इस वाले में सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनेगा, और अब यहां पे ये हम चौथे सॉरी तीसरे चेन में इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हो गया, फिर से चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, और फिर से एक गैप करके इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक चेन, एक गैप करके अगले में फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर से हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ फर्स्ट और थर्ड रो में किया है। तो ये हमारा फिफ्थ रो है, यानी कि पांचवी लाइन, एक गैप करिए, एक अगले में डबल क्रोशिया, एक गैप, एक चेन लेके ये गैप करेंगे, ये फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे, पूरा राउंड जो है इस तरह से फिर से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहां पे ये भी कंप्लीट हो गया है, तो अब इसको भी तीसरे वाले चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा देखिए एक दो तीन चार पांच, टोटल पांच राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर से एक दो तीन चार चेन लेंगे, और अब ये जो हमारा छठवां राउंड है यानी कि सिक्स्थ रो, यहां देखिए ये जो गैप है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके जस्ट ऊपर एक बनाएंगे, फिर गैप में एक बनाएंगे, इसके ऊपर एक बनाएंगे। तो ये सिक्स्थ रो में जो है हमारा हर एक जगह पे एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। इसके ऊपर ये देखिए गैप में, इसके ऊपर ये गैप में, तो ये हमारा छठवां लाइन है। अब देखिए यहां से अब हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा, टोटल जो ये योक है नाइन रो का यानी कि नौ लाइन बनेगा। ये जो छठवीं लाइन जा रही है, सातवीं लाइन फिर हम इस तरीके से करेंगे, आठवीं लाइन फिर से इस तरीके से करेंगे, और नौवीं लाइन फिर से इस तरीके से करेंगे। तो टोटल नौ लाइन का हमारा योक है। अभी तक देखिए इसमें हमने डबल डबल किया है हर एक, उसमें
गैप में, इसमें हमने एक बार दो किया, एक बार एक किया है और इसमें हर गैप में हमने एक एक करना है और इसके ऊपर एक एक करना है। अब इसके बाद भी जो हमारी सातवीं लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक बनाएंगे एक गैप करेंगे, एक बनाएंगे एक गैप करेंगे। आठवीं लाइन फिर से हमारी ऐसे बनेगी, हर एक में एक बनेगा, एक गैप में एक बनेगा, इसके ऊपर एक, और नौवीं लाइन सेम इस तरीके से। तो इस तरह से हमारा जो ये योक है, ऐसे देखिए, ये नेक का पार्ट, ये छठवीं लाइन हम यहाँ ये बना रहे हैं, यहाँ पे सातवीं लाइन सेम, आठवीं लाइन इसकी तरह, नौवीं लाइन सेम। तो नौ लाइन का पूरा योग बनाने के बाद फिर हम नीचे घेर बनाएंगे और सारा बॉडी पार्ट डिवाइड करेंगे। तो नौ लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसके आगे का बनाएंगे। ये देखिए टोटल नौ लाइन मैंने बना लिया है इसको, और इसके बाद मैंने इसका फ्रंट और बैक और दोनों स्लीव डिवाइड कर लिया है। डिवाइड कैसे किया है मैंने, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जहां मैंने इसको जोड़ा है, ये मैंने जोड़ा है, यहीं से मैंने ये जो एक एक गैपिंग है इसको काउंट करते हुए, ये देखिए यहां से अगर आप देखिए, ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह मैंने ये लिया है और यहां पे ये देखिए इस तरीके से। अब ये बारह के बाद ये देखिए, ये बारह है, यहां से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, टोटल है ये गैपिंग। अब यहां पे ये मैं इस तरह से मैंने धागा लगा लिया है और इसको एक बस ऐसे सिंगल नॉट लगा देती हूँ, जिससे कि आइडिया रहे कि बस इसके बाद मुझे स्लीव रखना है। अब इसके बाद ये जो है देखिए, इसके जस्ट बाद एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस, ये बाईस है और ये इतना यहां से और ये इतना मुझे स्लीव के लिए रखना है और यहां तक फिर मेरा ये आ जाएगा बॉडी का पार्ट। तो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में देखिए मैंने रखा है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये जो है ये पच्चीसवां है। तो इस तरह से ये पच्चीस, स्लीव का बाईस, यहां तक टोटल फिर से देख लीजिए। ये मैंने सिर्फ एक सिंगल नॉट लगाया जिससे कि आसानी से मैं इसको खोल सकूं। फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस, ये बाईसवां है। तो यहां तक मैं आऊंगी, यहां तक, यहां से और फिर इसमें आ जाऊंगी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी 25-25 ये जो गैप है फ्रंट और बैक के लिए है, और जो ये 22-22 गैप है वो है मेरा स्लीव का। तो अब देखिए ये बैक में जहां मैंने लास्ट आके ये जो हम चार चेन लेते हैं स्टार्टिंग में, वहां मैंने ये जोड़ दिया है और यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हम लेंगे चार चेन, तो ये देखिए एक दो तीन और ये चार। अभी तक हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है और स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ा है, अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए एक बार लेंगे ऐसे, फिर ये दो बार क्रोशिया पे लपेटते हैं और ये जो हमारा ये गैप है जस्ट जहां हमने जोड़ा, इसके बाद में ये देखिए अब हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए एक बार, दो बार और ये तीसरी बार, जब इस तरह से हम धागा निकालते हैं तो इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो एक दो, दो बार हमने धागा लिया, फिर ये देखिए एक दो और ये तीन, फिर से देखिए एक दो और ये तीन। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए मैं बनाऊंगी टोटल छह, लेकिन फर्स्ट वाले में ये हमारा जो ये चेन है इसको काउंट करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया में ये ऐड हो जाएगा। तो इसको काउंट करते हुए देखिए एक दो तीन चार हो गए हैं, दो मैं और बनाऊंगी। तो इस तरह से दो बार और फिर से लपेटेंगे, एक दो और ये तीन। जब तीन बार हम धागा निकालते हैं तो इसको हम ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो ये देखिए एक दो तीन चार पांच और एक बार और करेंगे तो ये हो गया छह। तो एक बार में हमने बनाया छह एक गैप में। अब एक चेन लेंगे
और इसके जस्ट ये बाद वाला जो गैप है इसमें हम बस स्लिप स्टिच से ऐसे इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये बन गया हमारा एक। फिर एक चेन लेंगे, अब टोटल सब में हम छह छह बनाएंगे। अभी तक हमने यहाँ एक ये जो चेन लिया था इसको हमने काउंट कर लिया तो पांच हमने बनाया, तो ये टोटल छह हो गया। लेकिन अब हम नेक्स्ट गैप में फिर से छह ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। इस बार मैंने बनाया छह टोटल। देखिए, अब इसको फिर से नेक्स्ट में देखिए कोई धागा नहीं लपेटते हैं, बस इस तरह से यहां से ऐसे ये धागा निकालेंगे और इसको ऐसे ये फिक्स हो गया। फिर और ये जो हम फिक्स करेंगे इसके बाद एक चेन लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ये लूज रहे और यहां पे अगले वाले गैप में इसको ऐसे कर देंगे। फिर एक चेन लीजिए, फिर से इसी तरीके से एक गैप में हम छह ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक गैप में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अब हम इसको कर लेते हैं यहां से यहां तक। ये देखिए, ये मैंने यहां कर लिया। यहां पे ये जो मैंने किया था, देखिए यहां ये मेरा स्लिप स्टिच से जुड़ चुका है और अब ये यहां तक हमारा ये 22 स्लिप का है और इसके आगे अब हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, यहां से अब हम फिर से सिक्स ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो ये यहाँ पे एक चेन, एक, दो और यहाँ पे अब हम बनाएंगे। तो बीच का हमारा जो है वो स्लीव के लिए छूटा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब इसको यहां से हटा देंगे। अब ये हमारा ये स्लीव का पोर्शन ऐसे है। अभी इसमें भी हम फिर वही छह डबल क्रोशिया सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और इसको भी हम अगले यहां ये स्लीव तक जो हमने 25 रखा है पीछे का, ये इसमें पूरा यहां से यहां तक बना लेंगे। इसके बाद फिर ये फ्रंट की तरफ और ये दोनों स्लीव रह जाएगा। तो इसी तरीके से यहां तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूं। और ऐसे ही बस सिंपल कुछ नहीं करना है, एक में हमको ये बनाना है ये छह ट्रिपल क्रोशिया और एक गैप में हमको इसको जोड़ देना है। सिंपल है, पहली लाइन है और ऊपर से अगर देखा जाए तो ये हमारी दसवीं लाइन है, यानी कि टेंथ रो हमारी ये है। अब इसमें देखिए यहां पे ये लास्ट वाले में हमारा सिक्स डबल क्रोशिया सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। एक चेन और अब देखिए यहां तक हमारा स्लिप का है और यहां पे अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इस तरीके से। और अब इधर भी यहां तक भी ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और इसको भी अब हम खोल देते हैं। ये स्लिप का पोर्शन हमारा दोनों इस तरह से ही रह जाएगा और नीचे हम बस घेर इसका बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये स्लीव है और अब यहां से ये हमने जोड़ लिया। फिर एक चेन लेंगे और इस तरीके से अगले वाले गैप में फिर से हम सिक्स ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से दो बार लपेट के, एक, दो और ये तीन बार जब हम धागे को निकालते हैं क्रोशिए को धागे में से, तो इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरा लास्ट आ गया हमारा। यहां मैंने एक चेन ले लिया है और यहां इसको लास्ट में हमें इस तरह से ऐसे। अब एक चेन लेंगे और ये जो हमारा चार चेन था इसका ये जो तीसरा चेन है, देखिए ये हमारा ये जो तीसरा चेन है यहां पे हम इसको ऐसे फंसा देंगे।
ये देखिए ये हो गया। आप एक चेन लेंगे, फिर से देखिए एक चेन लेके ये जो हमारा ये पहला वाला जो चेन है ये ऐसे यहाँ पे जो हमने पिछली बार बनाया था यहां से हम इसको ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे फंसा देंगे। तो ये देखिए फंस गया। अब एक दो तीन चार चेन लेंगे फिर से। अब ये हमारा एक काउंट होगा। अब देखिए ये एक हमने चेन में कर दिया। अब देखिए एक दो तीन चार पांच हमारा है। तो अब ये हम पीछे की तरफ से ऐसे इसमें ऐसे लेंगे और फिर से ये बनेगा हमारा ट्रिपल क्रोशिया ही, लेकिन हम इसको पीछे से लेंगे। तो ये देखिए एक और ये चेन हो गया दो। तो इसको हम इसी तरह से काउंट करेंगे, दो और ये हो गया हमारा तीन। ये देखिए तीन हुआ। अब यहां पे एक चेन लेंगे बीच में, फिर से एक दो और ये ऐसे पीछे से। ये देखिए फिर जो बाकी बचे हैं तीन उसमें हम कर लेंगे ये। ये देखिए पीछे की तरफ से एक दो तीन और ये तीसरा यहां पे। ये देखिए तीसरी बार। अब अगले में बनाएंगे और यहां बीच में हम कोई चेन नहीं लेंगे। यहां हमने एक चेन लिया, ये तीन बन गया, ये तीन बन गया। अब ये जो है यहां पे हम सेम ऐसे ही ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे और ये जो हमने बीच में बंद किया यहां पे नहीं, ये जो छह हैं इसमें से ये पहला जो यहां से फिर से शुरू करेंगे। अब देखिए यहां से एक दो और ये देखिए यहां से तीन, ये तीन किया इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और फिर से इसी तरीके से यहां हम एक दो और ये तीन। ये देखिए ये बीच में एक चेन लिया, तीन इधर। अब इस तरह से अगर आप देखें तो ये छह एक जगह हो गया, क्योंकि यहां जो हमने बीच में यहां पे स्लिप स्टिच से जोड़ा था यहां हमने कोई चेन नहीं लिया है। तो अब फिर से देखिए यहां पे कोई चेन नहीं लेना है। अगला तीन जो हमारा है इस तरह से फिर हम कर लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे तीन तीन के ऊपर। ये देखिए एक दो और ये तीन, एक चेन फिर से अगले में। कोई गैप नहीं करना है, बस बीच में एक चेन ले लेना है। इसी तरह से ये हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये हमारा देखिए इलेवेंथ रो है। ये देखिए नौ लाइन हमारी ये थी। दसवीं लाइन में हमने पिछली बार ये वाला बनाया है इस तरह से और ये ग्यारहवीं लाइन यानी कि इलेवेंथ रो है। टोटल मैं जो बनाऊंगी वो टोटल एटीन्थ रो यानी कि अट्ठारह लाइन बनाऊंगी। तो ये हमारा ग्यारहवां लाइन है। लास्ट हमारा जो होगा इस लाइन से होगा। तो आपके ऊपर है आप इसको कितना बड़ा घेर बनाती हैं। बस ये हमारा जो ये सेकेंड राउंड चल रहा है घेर का बॉडी के बाद ये ग्यारहवां लाइन ऊपर से अगर आप जोड़िए और घेर का ये दूसरा लाइन है। तो यहां पे देखिए एक चेन हमने ले लिया है एक बार फिर से इस तरीके से। तो इसी तरीके से देखिए इसको हम करते हुए टोटल यहां तक वापस आ जाते हैं। ऐसे ही बीच में यहां पे नहीं, यहां पे इन छह के बीच में हमको एक चेन लेना है। तो ये सर्कल पूरा करने के बाद फिर अगला हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखिए ये अब यहां पे हमारा लास्ट आ गया है। तो यहां पे ये लास्ट वाले में भी हम इसी तरह से सबसे पहले तीन
ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उस तरह से, एक चेन लेंगे। अगर आपका हाथ टाइट होगा तो आप दो चेन लीजिएगा, मैं एक चेन ले रही हूं। और यहाँ पे फिर ये लास्ट में तीन और बना लेंगे उस तरीके से, देखिए एक, ये दो और एक ये तीन, ये तीसरा। ये इस तरीके से तीसरा बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये चौथे वाले तीसरे चेन में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये हमारा 11th राउंड भी कंप्लीट हो गया है इस तरीके से, देखिए 11th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये मैंने निशानी के लिए रखा था, आप चाहें तो मैंने दोबारा से इसको बांध लिया था, आप इसको हटा भी सकती हैं। ये जो स्लीव का पोर्शन है देखिए इस तरीके से रहेगा। टोटल मैं 18 लाइन बनाऊंगी जैसा कि मैंने बताया है। यहाँ पे हमारी 11वीं लाइन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब दो लाइन हमारी बार बार यही सेम रिपीट होगी, इसमें कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, आप इसी को बार बार रिपीट करिए। और जितना लंबा आपको ये बनाना है अपने बच्चे के हिसाब से उतना लंबा, क्योंकि ये देखिए ये घेर अभी नीचे ये और चौड़ा होगा। तो अब यहाँ से फिर से देखिए जो अभी हमने 10th रो में बनाया है सेम वही करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक चेन लेंगे, उसके बाद फिर देखिए ये, और ये जो सेंटर में हमने एक चेन लिया था यहाँ पे कोई चेन अब नहीं लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे भी बनाएंगे, देखिए एक दो तीन, फिर से दो बार लेंगे इस तरह से, देखिए दूसरा हो गया, और ये तीन चार पांच और ये छह। फिर से जैसे हमने 10th रो में किया था, छह ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया था, देखिए ये सेंटर वाले में मैंने फिर से बना लिया। एक चेन लेंगे और इसको जो हम अब यहाँ देखिए ये जो ये है यहाँ पे ये जो स्लिप स्टिच से हमने जोड़ा था ठीक इसके ऊपर, ये तीन के बाद ये है, यहाँ हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर ये देखिए ये जो सेंटर है यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा अगर आपका हाथ टाइट है तो आप यहाँ पे दो चेन बीच में लीजिएगा, मैंने एक चेन लिया है यहाँ पे। अब देखिए ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इसी तरीके से हम इन्हीं दोनों लाइनों को रिपीट करते हुए अपना ये कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन लेंगे और ये देखिए एक दो तीन के बाद ये जो सेंटर है यहाँ पे जहां हमने पहले देखा, देखिए यहाँ पे ये जोड़ा था स्लिप स्टिच से, यहीं पे इसको हम फिर से जोड़ देंगे। तो अब देखिए यही जो दोनों लाइनें हैं हमारी रिपीट होंगी, तो ये हमारा एक डिजाइन बनता जाएगा। ये फर्स्ट रो में ये ऐसे बना है, सेकेंड रो में ये, फिर ये। तो अब देखिए ये मैंने जैसे कि बताया कि मैं टोटल 18 लाइन बनाऊंगी, लास्ट मेरी ये लाइन आएगी, तो जिससे ये एक कंगूरा भी बन जाएगा और फ्रॉक के नीचे कर्व भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से हमारा मेन अब जो दोनों लाइन जाएगा, एक बार ये एक बार ये, अब मैं ये लाइन बना रही हूँ 10वीं लाइन, फिर ये 11वीं लाइन। तो ये देखिए इस तरह से टोटल हम 18 लाइन बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने इसको इतना लंबा बनाया है, मैंने इसमें टोटल लाइनिंग जो ये है जो मैंने 18th रो कहा था ये देखिए। तो ये जो हमारा बनने के बाद ये फर्स्ट रो के बाद जब हम ये पीछे से बनाते हैं तो ये दो लाइन हो गई, आप इसको एक काउंट करिए या दो काउंट करिए। ऊपर का ये 9 लाइन बनाने के बाद, ये टोटल 18 लाइन बनाने के बाद मैंने लास्ट में ये लाइन बनाया है, और इसको आप कंगूरा मान लीजिए या लास्ट लाइन मान लीजिए, ये मेरा लास्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। फ्रॉक की लेंथ मैंने इतनी ही रखी है, आप चाहें तो इसी लेंथ को और बड़ा कर सकती हैं, तो ये आपके 3 से 4 साल तक के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा। घेर इसमें काफी है, मैंने कहीं कोई चेन एक्स्ट्रा बढ़ाया घटाया नहीं है, जितना यहाँ से ऊपर से मैंने स्टार्ट किया था उतने से ही मैंने ये नीचे तक इसको फिनिश किया है। तो ये मेरा इतना बनके कंप्लीट है जितना मुझे बनाना था।
आप इसी साइज को दो लाइन चार लाइन और एक्स्ट्रा इसमें नीचे कर सकती हैं, तो ये और थोड़े बड़े बच्चे को आराम से आ जाएगा। आप चाहें तो इसको कॉटन थ्रेड से बना सकती हैं या एंकर का जो क्रोशे वाला मोटा धागा आता है उससे बना सकती हैं, तो आपका ये एक अलग ड्रेस भी हो जाएगा और वो इससे थोड़ा छोटा बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट बस मैंने ये जो धागा कट कर दिया है ये, इसको भी आप क्रोशिया से फंसा सकती हैं पीछे की तरफ, और स्टार्टिंग में जो बचा है उसको भी। तो इसमें कहीं कोई सिलाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो अलग से कोई भी फ्लावर या कुछ बना के क्रोशिये से बो की जगह लगा सकती हैं ऊपर योग पे, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये घेर फिनिश हो गया, और यहाँ बैक में भी ये जो हमने स्टार्ट किया था ये धागा है, तो इसको भी आप ऐसे नीचे की तरफ फंसा दीजिए, तो क्रोशिये से आपका ये धागा भी आराम से फंस जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, मेरा ये बिल्कुल तैयार है। और इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको अभी नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर इसकी लंबाई देखी जाए योग से यहां से, तो टोटल जो लंबाई है मेरे इस फ्रॉक की 15 इंच है। ये टोटल 15 इंच है ऊपर से, आप देखिए इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई है वो काफी है, यहां से योग से आप ये देखिए तो 11 इंच है। तो ये नाप 2 से 2.5 साल तक की गर्ल्स के लिए बहुत सही है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।